हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए मैं आपको बताता हूँ कि पीएच करने के लिए जो पेमेंट करना होता है उसको कैसे करेंगे, ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। मैं लॉगिन कर लूँ मैं अपनी आईडी, और पुराने ट्रांजैक्शन मैं आपको बता दूँ ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि मिस्टेक होने पर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। यस, नए पार्टिसिपेंट्स के लिए खास करके हैं। देखिए, ये पीएच के जो रिक्वेस्ट हम लगाते हैं उसके बाद इस तरीके आता है, कंफर्म्ड है। बस इसी से मैं बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पेमेंट करना होता है लिंक का, पे एड्रेस ये होता है। तो सिंपल, इस पर आप ऐसे करेंगे और इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, केवल यहाँ तक, बस एड्रेस पे, बस इतना सा सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। उसी तरीके आपका ये पब्लिक की होता है, पब्लिक की वन बाय वन ही यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ तो पूरा ले लेगा, इसको भी अपना कॉपी कर लिया। तो यहाँ से इसको मान लीजिए आपने इतना ये कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप सीधे कहाँ पे आ जाएंगे, अपने वॉलेट पे, जहाँ से आपको ट्रांसफ़र मारना होता है। यहाँ पर आ करके लाइन जो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, देखिए सेंड और एग्जिट दो, एग्जिट नहीं करना, सेंड पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर रिसिपियंट एड्रेस जो होता है उसको आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो पब्लिक की है, हालांकि पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो दोबारा नहीं करूँगा, आपको जानकारी के लिए कल बता रहा हूँ। कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ रिसिपियंट पे आप ये डाल दीजिए, ऑटोमेटिक ले लेता है वैसे, ठीक है ना, पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ्री पर अपनी तरफ से कोशिश करिए कि कॉपी वहाँ से करके तभी करिए। और इसको एक बार मैच भी करा लीजिएगा आप, आगे के दो तीन नंबर कितने डालने हैं वो बड़े ध्यान से डालिएगा, कि अगर आपने 100 का रिक्वेस्ट किया है, 100 कॉइन का, तो आप 50 का लिंक आपका है, 1000 का आपने किया तो 500 का है, वो डालेंगे। कमेंट को छोड़ दीजिएगा एज इट, इसमें कुछ नहीं करना है। पास फ्रेज ज़रूर डालना, पास फ्रेज का मतलब आपके वो 16 कीज़ हैं जो सिक्योरिटी वाले हैं, तो सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ अपना, इसको आप यहाँ पर डाल करके जो 16 वर्ड आपके, तो उसको आप पास फ्रेज में, कमेंट में कुछ नहीं डालना है, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फिर एक आएगा, उसको कन्फर्म कर देना है, और यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके